जी, बोलो बोलो। नहीं, आपकी मेंटेलिटी पता लग रही है आपके लहजे से। आप कितनी माशाल्लाह पढ़ी लिखी, समझदार, इंटेलेक्चुअल, कितनी अच्छी हैं आप। इस वजह से ना, क्योंकि आपका इस्लाम ना आपको देता है इतना सा दिमाग, उस दिमाग से आप एक ही चीज सोच सकते हो। आप औरत को ना सिर्फ उसके लहजे से ही जज कर सकते हो, उसके ओहो, लिबास मतलब सारा दिमाग आप पे लोगों के पास ही है। बैठो, तुम उसको सिर्फ चीजों से ही जज कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए ना मैं एक जजमेंट पुतली बनी हुई हूँ। मुझे आपके स्टैंडर्ड से कि औरत को ऐसे बोलना चाहिए, टांगे बंद करके बैठना चाहिए, तो सर पे पर्दा लेना चाहिए, मैं आपके स्टैंडर्ड से क्यों चलूं? क्यों चलूं? तुम मेरे को जो भी समझो, मेरी जुती को नहीं परवाह। मुझे पता है कि एक जाहिल इंसान आप हो, जिसके पास गैस नहीं होनी, अभी पानी आपको मिलता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ये आपकी औरतों पे बिजली ले आती हैं सारी आपको, समझ बातें, में आई ना? चुप करो, ये तुम सारी समझ बातें, और गया। ले ले लेके सारी औरतें वो औरतों के लेने पे बैठने पे लेकर आ जाती तो वही तो होता है, आपके कुरान में सारा यही लिखा है, ले लो लड़कियों की, ऊंट पे चढ़ी हुई है तब भी ले लो हैं। उसकी, नहीं, लो हमारे कुरान में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी, कोई नहीं लिखी। आपके आपने पढ़ा हो तो आपको पता हो ना, आपने पढ़ा हो तो आपको पता अरे हो। आपने तो सुनी सुनाई बातों के ऊपर खाली एक व्लॉग बना के खड़ी हो जाती हैं। ये देखो, नहीं मेरे पास, हाँ मैं एक ही व्लॉग बनाती हूँ। आप लोग आते हो ना यहाँ पर, आप लोग खुद अपने इस्लाम की जो है ना पैंट उतारते हो। अब उतारू मैं नहीं, आपको? हम तो नहीं उतार रहे भाई, आप उतार रही हैं, हम तो आपकी आपसे सुन रहे उतारूंगा, हैं। आप कहती हैं मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरे वालिद मुसलमान थे, मेरी मम्मू मुसलमान थी, मेरी मेरे बहन भाई मुसलमान है, मेरे सब मुसलमान है। तो भाई, जब वो सब मेरे बहन मुसलमान भाई है नहीं तो है, वो तुमको क्या है, इस्लाम इतना गंदा हो। कोई मेरे भाई बहन मुसलमान नहीं है, मेरी माँ भी कोई मुसलमान नहीं है, अब समझ में आई ना? मेरा नाना भी मुसलमान नहीं आता। इस तरह से तो मुझे पता चलता है कि तुमने देखा क्या है। मेरे 400 वीडियोस पड़े हैं, तुमने उसमें से एक भी वीडियो नहीं देखा, क्योंकि अगर तुमने देखा होता तो तुमको ये पता होता कि मैं हिंदूज पे भी क्रिटिसाइज करती हूँ, जो तुम लोगों की तरह जहादी होते हैं। सारों पे नहीं, सारों मुसलमानों पे भी मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि सारे मुसलमान तुम्हारी तरह जिहादी पागल थोड़ी है, जाहिल थोड़ी है। और क्या डिफरेंस है ना, डिफरेंस है। मुसलमान अच्छे बुरे भी हो सकते हैं, आपने बोला ना अच्छे बुरे लोग हर जगह रहते हैं। जी हाँ, अच्छे बुरे लोग हर जगह रहते हैं, मगर आप जैसे जो जाहिल है ना, वो एक ही जगह रहते हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं। तो पहले जाके रिसर्च करो कि मेरा बाप कौन था, मेरा माँ कौन थी, मेरा दादा कौन था, मैं कौन सी फैमिली से आ रही हूँ। पता तुम्हें टकेगा नहीं है, आ गए हो यहाँ पे बात करने। पहले मेरा हिस्ट्री तो जानो नहीं, ना पहले जाकर, क्योंकि तो भाई आप खुद बोल रही हैं मैं मुसलमान थी। रेहान का बाप जो है वो हिंदू है, इसकी माँ जो है वो पारसी है, इसके बच्चे जो है वो काफिर है। नहीं, आपने खुद ही कहा ना मैं तो मुसलमान पैदा हुई थी, लेकिन बाद में मैंने मजहब चेंज कर लिया। मैं नहीं हूँ ना मुसलमान पैदा हुई थी, क्योंकि मेरा बाप मुसलमान था। मैं नहीं हूँ, मेरा दादा कौन था, मेरा नाना कौन था, बताओ नहीं, जरा। तो नस्ल तो बाप से चलती है भाई, नस्ल तो बाप से चलती है, मेरा नाना कौन था बताओ, मेरे नाने की नस्ल तो बात, बाप से चलती है, मेरे नाने की बात बताओ मुझे। नस्ल बाप से चलती है। आपका बाप मुसलमान था तो आप भी मुसलमान हुई। थी ना, शुक्र है छोड़ मेरे दिया ना दिमाग आपने। में अकल आ गई। अब हो सकता है आपकी किसी दूसरी सिस्टर ने ना छोड़ा हो, आपने छोड़ दिया हो। आपको पता है मेरे इसमें, आपको पता है मेरी फैमिली के बारे नहीं में तो कि ये आप आप कौन बताएंगे थे ना, दादा? मैं वही ये तो तो पूछ रही आपके, हूँ, मेरा आप नाना तो ये क्या आप था, अपने आप मैंने में। आपको नहीं नहीं बताया नहीं नहीं मेरे नहीं बारे नहीं में, मेरा सुनो, नाना एक आराम, कौन था? मैंने क्वेश्चन किया है, तुम्हें बड़ा पता है मेरी बहन थी या वो थी या ये था, मेरा नाना कौन था? ये तो मैंने सबको बता दिया, क्विज कर रही हूँ, बता दो मेरा नाना कौन सी रिलीजन था। अरे सुने तो, अरे नहीं, जवाब दो ना, सुनो, अरे जवाब दो ना, आप जवाब दो ना, आपको सब पता दिन है, से बताओ जानने लगा हूं मैं कौन तो सी रिलीजन का था, बताओ बताओ। भाई। जब आपके वालिद मुसलमान थे तो आपके दादा भी बता, मुसलमान नहीं होंगे। पता ना? ओ, नहीं वाले थे, नाना बोला है, तुम्हें ये भी नहीं पता नाना क्या होता है? यार कम ऑन, चले तो गाइस, नाना आप भी मुसलमान ही होंगे ना भाई। कुरान में लौंडियां दिखाते हैं, ठीक है ना? कुरान में ये देखिए, यहाँ ये देखिए लिखा हुआ है, ए नबी हमने आपके लिए, एक सेकंड मैं जरा एहतराम से पढ़ू ना, इनको इनको फिर आग लग जाएगी, देखो इस दाम पर बात कर रही है, ये आप खुद आके दिखा, मैंने तो ये दिखानी भी नहीं थी, मगर थैंक यू आप आए यहाँ पे ताकि लोगों को पता चले। जी नबी हमने आपके लिए आपकी बीवियां हलाल कर दी हैं, जिनके आप मेहर अदा कर चुके हैं, और वो औरतें जो तुम्हारी ममलूम का है, ममलूम का हेलो, अल्लाह ने आपको गनीमत में दिलवाई है, और आपके चचा की बेटियां और फुफियों की बेटियां और मामू की बेटियां, यानी सारी बेटियां आपके लिए हलाल हैं जी। ये एक और लौंडी और भी दिखाऊं मैं आपको, लौंडी कहाँ पे लिखा है? आपने तो पढ़ा नहीं होगा कभी कुरान खोल के, सारा दिन यूट्यूब पे बैठे रहते हो बच्चे, कुछ कुरान भी पढ़ लिया करो।
यूं बिचार आके देखिए देखिए देखिए, लौंडियां लौंडियां, अरे ये कहाँ से निकाल के लौंडियां, बैठी हुई हैं आप? अरे लौंडियां लौंडियां, हाय मेरी लौंडियां, मेरी तो नहीं मोहम्मद जी की लौंडियां थी। ये कहाँ से निकाल के और बैठी हुई हैं आप? Who strive for the betterment? Who guard their sex except from their wives and women, slaves of all, free of blame? ये देखिए देखिए, women slaves, ये औरतों को slaves बनाने वाले लोग हैं, ये वो हैं। देखिए देखिए, एक और दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, ये देखिए, दोबारा से देखेंगे आप एक और इस्लाम के अंदर लड़की लौंडियां। ये देखिए, ये रेहान वीलॉक जो है ना, ये इस्लाम को बचाने आए थे। Also forbidden are married women unless they are captives of war. और खावंद वाली औरतें मगर तुम्हारे हाथ जिनके मालिक हो जाएं, ये अल्लाह का कानून तुम पे लाजिम है। इनके सिवा तुम सब औरतें हलाल है, बशर बशर्त्या के इन्हें अपने माल के बदले में तलब करके लेकर आए हो, यानी माल में लाए हो तो उनके साथ जिना कर लो, ठीक है ना। हाँ जी, वो आपके लिए है। हेलो फहाद, हाउ आर यू जी, आप भी डिफेंड करेंगे अपनी रिलीजन को? आपकी तो अल्लाह मियाँ ने इंटरनेट को ही बाय कर दिया जी। बोले अल्लाह मियाँ प्लीज, वाह जी का इंटरनेट चलाए ना, ये इस्लाम को डिफेंड करने आए, आप इनकी इतनी सी मदद नहीं कर सकते हो। अल्लाह मियाँ, आपके यहाँ पे बेचारे बंदे आ रहे हैं आपको डिफेंड करने के लिए, तो आप ये आए हैं, इनको भी ले रहे हैं, दोनों दोनों डिफेंडर्स को साथ लेते हैं, डिफेंडर्स ऑफ इस्लाम हाँ जी। देखा आपने, ये देखिए मैं चौथी चीज दिखा रही हूँ आपको मैं, अब देखिए आप ये गौर से देखिए, सूरह निसा की है ये हदीस। आहा, अ वुमन हु इन सम सोसाइटीज, ये कॉन्क्यूबाइन है। आई नोटिस दैट द मैस, ये आयशा ने नरेट किया है। आई नोटिस दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वाज मिसिंग एंड आई थॉट ही हैड गॉन टू विजिट वन ऑफ हिज कॉन्क्यूबाइंस, सो आई लुक्ड फॉर हिम एंड फाउंड हिम प्रोस्ट Trating and saying blah 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 blah। तो ये देख लीजिए आप, आपके खुद के मोहम्मद जी थे वो लोनिया रखते थे जी। बोलिए अब आप क्या बोलना चाहेंगे। फ्रस्ट्रेटेड हो रहा होगा फहाद इस वक्त कि मैं बोल नहीं सक रहा हूं, ये मेरे साथ क्या कर रही है, थोड़े थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद ही माचिस लगा के अपने नीचे फट जाने। ये रेहान जी, हाय पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम पाकिस्तान में, बात ही क्या कर रही हैं आप, तो बैठ के पाकिस्तान का नाम बर्बाद कर रही होती है। पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारा इंटरनेट देखो इलॉन मस्क के स्टारलिंग इंटरनेट से ज्यादा सही चलता है मालिक जी। बोलिए बोलिए, अरे हाँ जी क्या हो गया, जी जी हम आई एम हियर सर, आई एम हियर। आपने चोरी का इंटरनेट लगा लिया है। अच्छा वैसे रेहान जी, आप सर शक्ल बोले। क्यों छुपा रहे हो, शक्ल क्यों छुपा रहे हो, आपको किसका डर है? नहीं मैं शक्ल नहीं छुपा रहा, मैं आपका खाली पीली मेरे पर पीछे लग जाएंगे इसलिए शक्ल छुपा रहा। ओ, तुम इतने हुसीन हो, इतने इतने रोशन समझा है अपने आप को, मेरे पास कोई और काम धंधा नहीं, मैं तुम्हारे पीछे लग जाने, बड़े बड़े यहाँ पे पीछे लगने वाले, समझ में आई ना, आई में अपने आप को। यही तो तुम लोगों की सी, यही तो पाकिस्तानी मर्दों की मेंटेलिटी है, थी सारों की नहीं मगर आप जैसों की, खामा खाई में लड़की, आपकी लड़कियां छोटे कपड़े पहने तो आपके लिए पहने होंगे, खाया में खुश फहमी में रहना जी। बोलो बोलो, आप लॉन्डी के बारे में बोल रहे थे जी, बताइए लॉन्डी का क्या किया जाए। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है नेहान जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है ना पाकिस्तान में स्टारलिंग से बेहतर जो है ना इंटरनेट चलता है इनका। ये अभी नया नया हमारे मौलवियों ने इजाद किया है। इसकी वायरिंग ना एक गांड के अंदर से निकाल के ना दूसरी गांड के अंदर होती है, ना तेज स्पीड का इंटरनेट चलता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आए भाई ऐसा इंटरनेट चलता है ना, आहा। अच्छा ये रेहान आए दोबारा से, देखते हैं इनका अब इंटरनेट काम कर रहा है कि नहीं। जी रेहान जी बोलिए जी, जी बोले, बोलिए। ओ सॉरी इंटरनेट खराब हो गया था आपकी वजह से।
मेरी वजह से नहीं हुआ था आपका इंटरनेट, आप ऐसी मुल्क में रहते हैं जहां अभी 5G आ नहीं रहा है, इस वजह से। 5G नहीं आ रहा, वो असल में आपको देख के शर्मा गया था। 4G आ गया है? नहीं 4G कहाँ जी, हम लोग तो गरीब लोग हैं, 4G कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं अभी नहीं आया 4G? अच्छा, मैं तो समझी जी। पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क था आपने का है, हर चीज वो वहां आप पे तो हो बोल रही है। दीजिए, आप तो समझती नहीं पाकिस्तान को अच्छा मुल्क। नहीं, भाई आपके पास पानी नहीं पीने का वहां पे, गैस आपके पास ही, इंटरनेट आपके पास नहीं, लाइट आपके पास नहीं, तो भैया मैं तो यहाँ बहुत ही अच्छे, मैं तो जन्नत में रह रही हूँ। हाँ तो हम तो बिल्कुल आपको फिर और अच्छा देख के बहुत खुश होते हैं कि आप माशाल्लाह इतने अच्छे माहौल में रह रही हैं, खुश हैं, यहाँ आजाद का हैं। माहौल अच्छा नहीं लगता ना आप लोगों को? कहाँ अच्छा लगता है यहाँ का माहौल, ऐसी नहीं बात हमको मत करो तो अच्छा ना। लगता है जी, हम तो जी जहाँ जहाँ भी जो कोई बंदा खुश रहता है तो हम तो खुश देख के उसको खुश होते हैं। दोबारा दोबारा बोलिएगा, क्या बोल रहे थे? अच्छा, हम बोल रहे थे जहाँ भी जो बंदा खुश रहता है हम तो उसको देख के खुशी होते हैं जी, चलो बंदा खुश है। हाँ, देयर यू गो, आपने खुद ही वो बात कर दी। अब हम इसी वजह से तो बोलते हैं क्योंकि हमारे मुल्क में लोग खुश नहीं है। क्यों आपके मुल्क में तो खुश है ना माशाल्लाह, वहाँ सब चीज़ अवेलेबल है, एवरीथिंग अवेलेबल है, तो फिर तो खुशी होना चाहिए वहां पर उनको। पाकिस्तान में लोग खुश नहीं है, इसी वजह से हम वहां के लिए बात कर रहे होते हैं। और जो यहाँ पे जिस चीज पे हम नहीं खुश है, हम उसमें भी बात करते हैं, ऐसी बात है। नहीं हमने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान में लोग खुश नहीं है, पाकिस्तान में लोग खुश हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं खुशी से रह रहे हैं, खुशी से खा रहे हैं पी रहे हैं। कुछ अच्छा, आप कहाँ लोग रहते हैं हो? शायद, आप कहाँ से हो? कराची से हो आप? मैं नाजमाबाद, कहाँ नाजमाबाद, से? नाजमाबाद से आप? नाजमाबाद जी बिल्कुल, अच्छा, नाजमाबाद। नाजमाबाद कहाँ नंबर एक रहते हैं? घर में रहते हैं? घर में रहते हैं, किराए ना के अपने घर में? जी, मैं अपने घर में रहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है आपका घर है? आपके माँ बाप का घर है? जी। मेरे माँ बाप का घर है, वही मेरा घर है। अच्छा, कौन सा घर है? कच्चा घर है या पक्का घर बना हुआ है? नहीं नहीं मैं क्यों आपने रहने के लिए आना है? पूछ रही हूँ ना आपसे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं नहीं आप होगी, पूछ क्योंकि तो आपके ऐसे पास रही एक हैं अच्छा जैसे आपने रहने के लिए बना आना है। नहीं अगर आपने रहने के लिए आना है तो फिर हम पक्का घर बना लेंगे। होगा। नहीं, मेरे ख्याल से तो आप पक्के ही घर में रहते हो, नाजाबाद से तो मैं भी हूँ। तो अच्छा बात ये है कि आपको फिर नहीं आप होगी पूछ तो ना रही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम उसको होगी जिसके पास घर नहीं है, जो सड़क पे सोता है, उसको जी प्रॉब्लम बिल्कुल, ये होगी। तो हाँ जी हर जगह होते हैं ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं नहीं होता, सड़क पे सोते हैं। नहीं यहाँ भी सोते सड़क पे लोग, मैंने तो नहीं देखा नहीं यहाँ तो सड़क पे मतलब सोते। पुअर होते हैं पुअर लोग, तो सब जगह होते हैं जी, ये तो लोग अलग होते हैं। दुनिया यहाँ का उसूल है पे जो पुअर है ना, मैं एक बात बताऊँ आपको, यहाँ जो जी। पुअर है ना, उनको गवर्नमेंट जो है फिर भी 800-900 डॉलर ना महीने की देती है। पाकिस्तान में कितना अच्छा मिलता है इनको गवर्नमेंट से, गरीबों नहीं को? पाकिस्तान से नहीं मिलता बिल्कुल, पाकिस्तान में तो आबादी इतनी है जितनी तो शायद कनाडा की, कराची की आबादी इतनी है उतनी कनाडा की होगी। फिर भी कुछ तो देना चाहिए ना गवर्नमेंट को। टैक्सेस नहीं देते हो ना जी आप इधर लोग? की नहीं, हम टैक्सेस टैक्स देते नहीं हैं आप? देते, नहीं हम आप टैक्स नहीं टैक्सेस देते, देते हो? नहीं टैक्स नहीं तो देते हैं। गलती आपकी भी है ना, फिर आप भी उसी प्रॉब्लम में आप भी आ रहे हो ना। हम आप इनडायरेक्ट टैक्स प्रॉब्लम देते क्रिएट हैं, कर रहे हो जब आप टैक्स नहीं दे रहे हो हम तो। इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। जैसे कैसे क्या मतलब, कोई भी चीज खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं। नहीं, मगर वैसे टैक्स तो नहीं दे रहे ना आपकी गवर्नमेंट आपसे, पूरे साल का कितना कमाया वैसे उसको जब हम टैक्स इलीगल देती हो गए टैक्स देने के लिए तो देंगे। है? तो बात वही आ जाती है ना, फिर आप कहते हो कि कनाडा में ये हो रहा है, वो हो रहा है। कनाडा में अगर आप एक साल में बोल टैक्स रहे नहीं दोगे तो आपको उठा के गवर्नमेंट जो है ना आपकी सारी चीजें सीज कर लेती है, बिकॉज यू नहीं, हैव अगर आप टू कंप्लेन। काबिल हो कि आप पे टैक्स लागू होता है तो आपको देना चाहिए। अगर आप इस्लामिक इसकाइल या इस्लामिक नहीं हो के जी आप पे टैक्स लागू होता है तो आप ना दो, खत्म हाँ, तो वो कौन डिसाइड करता है? कोई भाई। वो लिमिट्स तो वगैरह लोड लोड होंगी, कुछ लो गवर्नमेंट डिसाइड ने कुछ करता है सिस्टम ना, बनाया लो होगा ना? डिसाइड करता है, लो डिसाइड करता है, लो अब हर जगह होता है। नहीं, ये हर जगह नहीं होता, यहाँ लोग डिसाइड नहीं करते, यहाँ नहीं गवर्नमेंट ने लो टैक्स नहीं, ब्रैकेट। यहाँ पर लो गवर्नमेंट लो बनाती है, लो के अंदर हाँ लिखा ना, होता है भाई तो अच्छा, ये बंदा इस काबिल होगा तो इस पर टैक्स लागू हो जाएगा, अगर इस काबिल नहीं होगा तो टैक्स टैक्स नहीं लगेगा उस पर। हाँ, तो आपने भी खुद ही कहा कि आप टैक्स नहीं देते, आप पे टैक्स लागू नहीं होता फिर। नहीं बिल्कुल नहीं होता, जब भी तो नहीं दे रहे, कैसे अच्छा, तो फिर ऐसे ही रहेगा ना फिर। आप कितना रहेगा कमाते हो आप लोग? जी। आपने मेरे लिए कोई रिश्ता तो नहीं ढूंढना ना जो मैं नहीं, आपको मैं आपकी इनकम पूछना चाह रही बताऊं। हूँ ना टैक्स सिस्टम, मैं पूछना चाह रही हूँ ना कि भैया आप कह रहे हो कि वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्यों वहाँ के उससे बात करती हो? अगर अभी आपने ये भी कहा कि नहीं वहाँ पे कहने का गरीबों मकसद को, ये गरीबों था ना कि यहाँ पर हम जिस हाल में रह रहे हैं ना, हम खुश हैं, को, हम खुश हैं, हम ये कहना आप चाह रहे खुश हो, हैं, आप हम खुश खुश हो हैं, गए? हम खुश नहीं, हैं हाँ, मैं तो कोई नहीं खुश है यहाँ पर। बहुत सारे पाकिस्तानी आते हैं जो कहते हैं वो खुश नहीं है।
आप सबकी तो बात तो नहीं भाई वो जब करूंगी। भी तो वहां पर पहुंच रहे हैं वो खुश नहीं है तो चले जा रहे हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं खुश हैं वो यहीं पर रह रहे हैं, और जो नहीं निकल सकते वहां से वो क्यों नहीं निकल सकते जी, सबको आजादी है, वीजा मिल रहा है, जिसको नहीं, वीजा हाँ मिल रहा है वो जा रहा है, जो वीजा नहीं ले रहा जिसको नहीं मिल नहीं, रहा नहीं है जा ना, रहा। जिसको नहीं मिल रहा तो जिसको नहीं मिल रहा वो तो वहां बैठा है ना, और वो बैठा है तरस रहा है उसी चीजों से, क्योंकि आप लोग खुश हो, नहीं एक एक यानी 10% लोग खुश हैं तो उसकी वजह से जो 90% ये लोग हैं वो आपका, सफर कर रहे ये हैं। आपका ख्याली पुलाव है कि 10% खुश हैं 50% नाराज हैं, नहीं, ये हमारा आपका ख्याली ख्याली पुलाव पुलाव है। आप सोच रहे हो, आप लाला लैंड में रह रहे हो मुझे लग रहा है नहीं तो आप। मुझे तो लग रहा है आप तो हाँ जन्नत में रह रही है ना, तो आपको तो मैं लगता तो है कि सब जन्नत में लोग फिर रह रही हूँ, नाराज हल्का हैं, मैं तो सब जन्नत में रह रही हूँ। बेइंतजार हैं, सब यूं हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये आपकी सोच है, आपकी सोच।